अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैर वाफियत के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से साथ हूँ। माजरत के साथ काफ़ी देर मेरे व्लॉग कोई ना आ सका, तो मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। बस ज़ाती कुछ मसरूफात थी इस वजह से। तो ये दोस्त आज का व्लॉग है कोआ बिंगड़ा। कोआ बिंगड़ा दिल्ला मानथेरा में वाक़ ये बुलंद तरीन पहाड़ी है। तो यहाँ की सबसे खसूसी बात यह है, यहाँ एक दरबार शरीफ है और उसके अलावा यहाँ टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छी प्लेस बनी हुई है। तो क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ सबसे अच्छी बात एक और ये बता दूँ, यहाँ किसी चीज़ का रेंट नहीं, अपना साथ अपने खाने का सामान लेके आए, बनाए, लकड़ियाँ मौजूद हैं, पानी मौजूद है, क्वार्टर मौजूद है, कोई सा भी कमरा लें और उसको लॉक करके आप उसके वारिस बन सकते हैं कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए। तो इंशाल्लाह इसका रोड का काम चल रहा है, ये आप देख सकते हैं सामने मशीनरी लगी हुई है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द यहाँ तक रोड का ये रास्ता नीचे के लिए जा रहे हैं, यहाँ तक इंशाल्लाह रोड आ जाएगा। यहाँ पार्किंग के लिए मेरे ख्याल में बना रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। तो इंशाल्लाह वीडियो बने रहें, पूरी वीडियो देखें और खाना बनाते हैं और दोस्त कुछ बीमार हो गए क्यों, काफ़ी पैदल का सफ़र है, 4 घंटे मुसलसल ट्रैवल करना हो वो भी पैदल तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो आइए देखते हैं साथी को, ये दूसरा दोस्त पानी लेके जा रहा है, उसके लिए मेडिसिन साथ लेके आए थे तो उसको मेडिसिन भी देंगे और उसको, तो देखें ये उनके लिए पानी लेके जा रहे हैं। और काफ़ी सारे दोस्त सेल्फियों में मसरूफ़ हैं। तो ये बहुत ही अच्छी प्लेस है, यहाँ पे आकर देख सकते हैं। ये आपको इस तरफ जो है ना त्रिबेला डैम हरिपुर का नज़ारा देख सकते हैं। ये क्योंकि बुलंद तरीन पहाड़ी है और यहाँ से काफ़ी हद तक दूर दूर तक, क्योंकि आज वेदर जो है वो क्लियर नहीं है, इसकी वजह से आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जगह बहुत ही सदियों से चल रही है। हम देख रहे हैं इसी तरह के घर हैं, ना कभी टूटे ना कुछ हुआ, माशाल्लाह। ये देख सकते हैं हमारे भाई हैं तो ये खाना बना रहे हैं दोनों मिलकर, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सरदार भाई हैं, ये बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। तो देख सकते हैं ये देखें, ये जितने भी बर्तन हैं यहाँ लोग जो भी खाना अपने साथ गोश्त वगैरह बकरा वगैरह लेके आते हैं, खुद ही बना के खाते हैं। ये देख सकते हैं बकरा बन रहा है तो मटन बन रहा है, तो आप देख सकते हैं ये, तो इग्नोर कीजिएगा बर्तन को, ये देख लें ब्लैक इतना ज़्यादा है, ज़ाहिर है कि काफ़ी हर एक बंदा आता है लेकिन धोलते हैं सब माशाल्लाह। यहाँ हर चीज़ आपको फ्री मिलती है, कोई चार्जेस नहीं है। आप चाहें तो जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको आप हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत भी नहीं उनको। तो ये बहुत ही अच्छी, यहाँ आप आएँ आप इंजॉय करें। तो अभी तो हाल इंशाल्लाह जनवरी में बल्कि दिसंबर की एंड तक यहाँ बर्फ़ हो जाएगी, यहाँ आना तकरीबन मार्च तक से पहले बिल्कुल नहीं हो सकता। ये देख सकते हैं कमरे बहुत बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं, ये बाहर देखें माशाल्लाह सूरज की किरण। और ये आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, ये देख सकते हैं आप, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए सामने लड़के ऊपर गए हैं, मैं उनको दिखा रहा हूँ बिल्कुल कितनी हाइट पे है, आप देख सकते हैं कि उनको डर नहीं लग रहा है कैसे एक चट्टान के ऊपर चढ़े हुए। मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके थोड़ी देर तक, देखते आगे बढ़ते देखते पानी पी के देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ये देखें आपको दिखा रहे हैं, ये सामने देखें ना, ये भाई की तबीयत ख़राब है तो दूसरा भाई उसके पास लेटे हुए हैं, क्योंकि आपको पता मुसलसल हम वहाँ नीचे से ही चल के आए हैं, 4 घंटे मुसलसल ट्रैक किया है। ये देख रहे हैं साबर भाई हैं, तो ये अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, ये हाफिज़ साहब मनीर साहब बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं। और ये देखें आप चट्टान के ऊपर देखें, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है और ड्रोन सा लग रहा है कि कहीं गिर ना जाए, स्लिप हो गए तो बहुत ही इंतहाई ऊँची चट्टान है और बुलंदी है, डाउन आप खाई देख सकते हैं। तो ये आज का ट्रैवल की वीडियो।